फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 05060 लालकुआ हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन का व्यू लेकर आए हैं। मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को कामरान भाई ने बनाकर भेजा है। कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, जिस दिन भी, यानी कि ये जो समर स्पेशल ट्रेन है, हफ्ता में एक दिन चलती है, हर गुरुवार को। फ़िलहाल 5 फेरों के लिए ये ट्रेन चलाई गई है और पिछले 10 फेरे या कहें 9 फेरे इस ट्रेन ने जब भी कभी लगाए तो सारी ट्रेनें लेट हुई। तो इस ट्रेन की वजह से बाकी सभी ट्रेनों की बैंड बच जाती है, बताएंगे कैसे। फ़िलहाल देख सकते हैं पीलीभीत की दिशा से ये ट्रेन आ रही है और जैसे ही ये ट्रेन मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, उसके बाद 15010 मैलानी से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन के डिपार्चर का समय हो जाता है। इसी वीडियो में हम आप लोगों को एक मालगाड़ी का स्पीड व्यू भी दिखाएंगे कि इस ट्रेन को लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 20 मिनट के करीब में रोका गया, क्योंकि सीतापुर से वो मालगाड़ी छोड़ दी गई थी, जिसकी वजह से 05492 लगभग 1.5 घंटा की देरी से डिपार्ट हुई थी सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, यानी 1 घंटा 25 मिनट के करीब में। तो वो व्यू भी हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये समय से बिफोर आ गई, समय से पहले आ गई है, यानी कि 6:20 टाइम था और 5:55 पर आ गई थी। तो खड़ी रहती है लगभग आधे घंटे से ज़्यादा के करीब में, फिर डिपार्चर होता है लखीमपुर की दिशा की तरफ। तो इसके पीछे जो 05493 सागर से मैलानी, सागर से डालीगंज के लिए चलती है, वो भी लेट होती है, बताएंगे कैसे। तो देख सकते हैं ये 1 महीने बाद फिर से इस ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है 5 फेरों के लिए। तो एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिसके फेरे बढ़ाए गए हैं, जबकि रामनगर ऐशबाग ट्रेन के भी फेरे बढ़ाए जाने चाहिए थे, साथ में लालकुआ वाराणसी सिटी के भी, अच्छी ट्रेन थी। लेकिन अब ये ट्रेन हावड़ा किस समय पहुंचेगी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पहुंचते पहुंचते 6 से 7 घंटे लेट हो ही जाती है, फिर उधर से भी 10-12 घंटे लेट ही आती है। तो इस ट्रेन के चक्कर में फिर 05088 भी लेट होती है, 05493 और 05492 भी। तो देख सकते हैं ये मालगाड़ी आ रही है, इसका स्पीड भी आप लोग देखिएगा। मालगाड़ी निकली, ऐसा लगा कि राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही हो या कोई सुपर फास्ट मेल एक्सप्रेस। लखीमपुर रेलवे स्टेशन को स्किप किया, इस ट्रेन को क्रॉस भी किया। तो 05088 जो कि राइट टाइम चल रही थी, हालांकि सीतापुर से भी 5 मिनट की देरी से ही छोड़ी गई, लेकिन जब यह हरगांव पहुंची तो ये ट्रेन भी हरगांव पहुंच चुकी थी 05060। तो दोनों ही ट्रेन का क्रॉस हरगांव में हुआ, 05088 और 05060 का। तो इस ट्रेन को तो सीतापुर के लिए रवाना कर दिया गया, फिर 05088 05493 के चक्कर में खड़ी रही क्रॉस कराने के लिए हरगांव रेलवे स्टेशन में, क्योंकि 05492 लगभग 8 बजे के करीब में सीतापुर से छोड़ी गई थी और वो 9 बजे के करीब में लखीमपुर रेलवे स्टेशन आई। जब वो लखीमपुर 9 बजे आई, तब जाके 9:01 पर 05493 छोड़ी गई और आधे घंटे बाद फिर हरगांव में ही 05088 और 05493 नंबर ट्रेन का क्रॉस हुआ। तो मालगाड़ी की वजह से और ये जो आपकी समर स्पेशल वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है, इसकी वजह से भी ट्रेनें लेट हुई। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, जो कई दिनों बाद ये ट्रेन निकली। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।